Hello, future doctors. Welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah. And yes, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं. And yes, लॉकडाउन में तो बहुत सारे टॉपिक्स लिए थे, but almost after a month, Dipenism is back again. And जो next target है, that is NEET 2021. And आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, that is on the biomolecules. Now, biomolecules ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड NCERT का तो टॉपिक है ही, बट साथ में केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा. मतलब ये बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मतलब है नीट स्टूडेंट्स को भी ये हेल्प करेगा, जेई स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा, सीईटी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा. सो आई विल ट्राई कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तो हम लोग कवर करेंगे ही, साथ में केमिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम लोग जितना हो सके वो भी डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑन बायोमोलिक्यूल्स. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, हम लोग काफ़ी बार मस्ती मजाक में भी और साइंटिस्ट वर्ल्ड में भी काफ़ी बार ये डिबेट चलता रहता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया. तो अगर अंडा पहले आया तो अंडा किसने दिया है, और अगर मुर्गी पहले आई तो बिना अंडे के कैसे मुर्गी आ गई, तो कौन पहले आया, वो हमेशा डिबेट चलता रहता है. नहीं, इस डिबेट पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ. हम लोग जिस बात पे जाने वाले हैं कि हम लोग को ये पता है कि फर्स्ट सेल कैसे बना, और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में उन्हीं कुछ इंग्रेडिएंट्स, उन्हीं कुछ सब्सटेंसेस के बारे में फोकस किया जाता है जिसने बायो मतलब लाइफ का फॉर्मेशन किया. सो ऑल दोज लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके फर्स्ट सेल या फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन किया, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एज बायो मॉलिक्यूल्स. और ये बायोमोलिक्यूल्स का थियरी, बायोमोलिकुलर थियरी वॉज गिवन बाय ओपेरिन एंड हल्डेन. तो एवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये सब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स जो है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स है, दे मस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड दे ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द फर्स्ट सेल, द फर्स्ट लाइफ. एंड आफ्टर द फर्स्ट सेल वॉज फॉर्म्ड, हर एक नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा बाय सेल डिविजन. तो लेटर ऑन ऑल लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला था. बट जो फर्स्ट लाइफ है उसका जो फॉर्मेशन हुआ, दैट वॉज फ्रॉम दिस लाइफलेस मॉलिक्यूल्स. नाउ जब भी हम लोग सेल चैप्टर का डिस्कशन करते हैं तो सेल में हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है. हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन का बात किया है, न्यूक्लियस का, ER का, गोल्गी बॉडीज का. नाउ अल्टीमेटली ये जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी में ये सब लाइफलेस मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो हम लोग ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्कस किया है, जहां पर हम लोग बोलते हैं देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिपिड बायलेयर. तो लिपिड्स आर नथिंग बट लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, जिससे बायो का फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है. वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि लिपिड के साथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स ऑल्सो, और यही कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स भी बनाते हैं. तो इवन एंजाइम्स आर दी बायोमोलिक्यूल्स. एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स जो सिक्रीशन होते हैं, वो हॉर्मोन्स भी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं. या फिर अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, दैट इज द DNA. एंड DNA से ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस से RNA वगैरह का फॉर्मेशन होता है. तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पांच मेजर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करके फर्स्ट लाइफ या फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन किया है, जिसमें वन ऑफ देम इज कार्बोहाइड्रेट्स, अदर इज लिपिड्स, देन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स. इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड्स का डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, सो दैट आप लोग वापस से रिवाइज कर पाए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. बट आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली विद डिस्कशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स. सो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल जिसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट उसके कुछ हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल जाता है, हम लोग इनको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. सो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जितने भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करने वाले, मेनली ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, विच हैज प्रेजेंस ऑफ थ्री मेजर एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये तीन एलिमेंट्स का प्रेजेंस तो हो गए, जिसको हम लोग इन जनरल आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हो हाइड्रोकार्बन्स का स्टडी. तो ये सब हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. और जैसे मैंने बताया कि नाम से पता चल जाता है, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और इन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में
हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2:1 जस्ट लाइक इन वॉटर. तो जैसे वॉटर में ये प्रेजेंस होता है 2:1 का रेशियो, वैसे ही इनमें भी रहेगा. बट लेटर ऑन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड के कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं सभी में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नेसेसरीली नहीं होता. ऑल्सो उन कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंस नहीं होते, तो देयर इज नो हाइड्रेशन दैट इज प्रेजेंट. सो ये जनरल टर्म कार्बोहाइड्रेट जो था वो रॉन्ग प्रूव हुआ. सो जो डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि किन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते, उन सब्सटेंसेस को विच आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो यस, कार्बोहाइड्रेट जो होंगे दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो सब्सटेंसेज इन पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया जाए तो ये रोटेट करते उस लाइट को टुवर्ड्स द राइट साइड या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और उसी के बेसिस पे उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट्स बोले जाते हैं. नाउ ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो कार्बोहाइड्रेट से, बट उसके साथ कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स का प्रेजेंस होना चाहिए, जिसमें से एक तो होता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. तो इनको हम लोग बोल लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. या तो वो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या फिर दे विल बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. दैट मींस इन कार्बोहाइड्रेट्स में या तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, लेकिन सिंगल नहीं, पॉली. सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन रहेगा तभी जाके इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे. तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप चौ एंड फंक्शनल ग्रुप कीटोन का कौ. चौ कौ ओ, ये मेरा स्टाइल है फॉर मेमोराइजिंग द फंक्शनल ग्रुप, मैं केमिस्ट्री में ऐसे याद रखता था. तो अगर ये दो फंक्शनल ग्रुप या फिर ये दो फंक्शनल ग्रुप हो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा तो हम लोग उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग एक जनरल फॉर्मूला मेंशन करते हैं. जैसे आप लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ते हो अल्केन्स के लिए CnH2n+2, अल्किन्स के लिए CnH2n, अल्काइन्स के लिए CnH2n-2. यस, केमिस्ट्री इतना तो मुझे आता ही है और काफी सारा आता है, हम लोग आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे. तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज CnH2nOn, या फिर वी ऑल्सो यूज द जनरल फॉर्मूला CxH2oY टाइम्स, मतलब CX टाइम्स एंड H2oY टाइम्स. तो यहां पर एक तरह से ये हम लोग लेते हैं कि यस ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बट जैसे मैंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल फ्री ऐसा कोई प्रेजेंस नहीं होता इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट ये जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, ये जनरल फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो करे, तो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो आप लोगों को याद रखने हैं. एक्सेप्शंस जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड. नाउ फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होगा HCHO, तो अल्डिहाइडिक है एंड इसको आप लोग मिथेनल भी बोलते हैं IUPAC नेम के हिसाब से. तो द फॉर्मूला इज C1H2O1. तो यस, ये जनरल फॉर्मूला में फिट होता है बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. इट इज फिटिंग इनटू द जनरल फॉर्मूला बट इट इज स्टिल नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक्सेप्शन हो गया. तो फॉर्मल्डिहाइड इज अ स्पेसिफिकली अल्डिहाइड, क्योंकि डेफिनेशन में हम लोग ने क्या बोला, अल्डिहाइड के साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप भी होना चाहिए. सो डेफिनेटली इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. और एक एग्जाम्पल जो है दैट इज द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3CuCH. तो इसमें हो जाएगा C2H4O2. तो यस, डेफिनेटली ये भी जनरल फॉर्मूला में फिट होता है. इसको आप लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो ये भी फिट होता है इनटू दिस जनरल फॉर्मूला, इनटू दिस जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, बट स्टिल इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अगेन इसमें इसमें ना तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है ना ही हाइड्रोक्सी है. तो ये फिट होता है जनरल फॉर्मूला में बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. तो जरूरी नहीं है कि सब अगर जनरल फॉर्मूला में फिट हो तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट. सो डेफिनेशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. नाउ ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो सब्सटेंसेस जो है वो जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होते बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से वन ऑफ देम इज रैमनोज.
रेमनोज का जो फॉर्मूला है फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको याद रखना है, इट इज C6H12O5। और एक जो एक्सेप्शन है दैट इज डिजिटॉक्सोस, जिसका फॉर्मूला है C6H12O4। सो ये दो एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखने, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स। वाई? बिकॉज दे फिट इन टू द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए था? C6H12O6। तो यहाँ पे O5 है, यहाँ पे O4 है, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। और मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग सफिक्स OSE पढ़ोगे, OXE मोस्ट ऑफ द कार्बो OSE आएगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, हम लोग बहुत सारे पढ़ने वाले, उसमें OSE आएगा। सो द अल्टीमेट क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी दिस डेफिनेशन। बट येस, फॉर अवर स्टडी पर्पज हम लोग ये जनरल फॉर्मूला का यूजफुलनेस यूज पूरी तरह से करेंगे, और वही हम लोग को हेल्प करेगा टू क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, वी आर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ये क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत सारे तरह से कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसको मैं पहले लेना चाहूंगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स दैट आर फॉर्म्ड during hydrolysis. So this classification is also based on hydrolysis या फिर based on the number of sugar units. On based on that हम लोग उनको classify करते हैं as mono, oligo and poly, and suffix common है, that is saccharides. तो ये saccharides जो है इनको हम लोग बोलेंगे saccharides. तो saccharides ये term जो sugar के लिए लिया गया, that is from saccharum. Saccharum even in fact sugar cane का scientific name है saccharum. So saccharum से saccharides लिया गया, तो monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So monosaccharides जो है, नाम में से पता चलता है कि इनमें mono मतलब there will be presence of a single sugar unit. There is presence of single sugar unit in monosaccharide. Oligosaccharide जो है, इनमें there can be presence of 2 to 10 sugar units. 2 to 10 sugar units. मतलब ये जो sugar units का बात कर रहे हैं, ये 2 to 10 actually monosaccharides ही है. तो दो monosaccharide बन जाएंगे, join हो जाएंगे, तो वो बनाएगा disaccharide. तीन join होगा trisaccharide, tetrasaccharide. तो ऐसे 2 to 10 sugar units oligosaccharides का formation कर सकते हैं. इसका मतलब oligosaccharides का breakdown अगर होगा, तो वो monosaccharides का formation करेंगे. अगर मोर देन 10 शुगर यूनिट्स हो तो वो फॉर्म करेगा पॉलीसेक्राइड. सो पॉली मतलब मेनी, इट हैज मेनी शुगर यूनिट्स इन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये पॉलीमर हो जाएगा. तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड जो है, ये मोनोसेक्राइड्स आर गोइंग टू बी, दिस मोनोसेक्राइड्स आर गोइंग टू बी सिंपलेस्ट शुगर. दे आर सिंपलेस्ट शुगर. The reason for that is monosaccharides का further hydrolysis के बाद और कोई भी simple sugar का formation नहीं होगा. So this monosaccharides cannot be further hydrolyzed. They cannot be further hydrolyzed. Now books में यही definition दिया गया है कि monosaccharides को further hydrolyze नहीं कर सकते. Now future doctors समझने वाला बात यह है कि इनका hydrolysis हो सकता है, but hydrolysis के बाद जो products बनेंगे they are not carbohydrates. That is why ये सबसे basic monomer हो गए, monosaccharides become the simplest sugar. So they cannot be further hydrolyzed into more simpler forms of carbohydrates. But zymase enzyme जो है वो उनका further hydrolysis कर सकता है, लेकिन उससे ethanol बनेगा, carbon dioxide बनेगा, तो जो compounds बनते हैं they are not carbohydrates. So they cannot be further hydrolyzed into further simpler forms. इसीलिए हम लोग इनको बोल लेते हैं as the simplest sugar. Okay? ऑलिगोसैकेराइड्स जो है, ऑलिगोसैकेराइड्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैकेराइड्स. तो जो ऑलिगोसैकेराइड्स है उनका फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद मोनोसैकेराइड्स बनेंगे. और पॉलीसैकेराइड्स ये तो इतने लॉन्ग चेन पॉलीमर है कि दे कैन बी वेरी इजीली हाइड्रोलाइज्ड. They can be very easily hydrolyzed
into oligosaccharides, and further breakdown से there can be formation of monosaccharides. तो monosaccharides तक का formation हो सकता है. So this is the point number 2 जो हम लोग consider कर रहे हैं कि जो monosaccharides है they are the simplest sugars because they cannot be further hydrolyzed, and जो ऑलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स है इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है. नाउ फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों को याद रखना है कि मोनोसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड जो है ये दोनों ही एसएससी पास है. और एसएससी पास कौन है? एसएससी पास टीआ है. कौन है टीआ? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो आप लोगों को फ्यूचर डॉक्टर्स याद रखना है कि मोनोसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट. Also, they are soluble in water and they have crystalline structure. तो इनके properties crystalline है. So they are crystalline in nature. So आप लोगों को ये short form से याद रखना है SSC से. Monosaccharides and oligosaccharides दोनों ही SSC pass है. मतलब they are sweet in taste, they are soluble in water and they are having crystalline nature. On the other hand, यही mono and oligo जिन्होंने polysaccharides का formation किया उनका structure बहुत ही differ करता है. उनके properties change हो जाते हैं. और ऐसे ही आप लोग पढ़ते हो chemistry में कि जो compounds का formation हो उनका property change हो जाता है. जैसे आप लोग sodium and chloride individual elements का property अलग है, but जैसे ही compound बनता है उनका property change हो जाता है. Same way polysaccharides जो है they are tasteless. They are insoluble in water, and they are amorphous. तो ये तीसरा characteristic feature हो गया, तीसरा classification का point हो गया. तो even आपको अगर exams में लिखना हो तो आप एक tabular form में classification लिख सकते हैं. Fourth point, मोनोसेकेराइड जो है उनके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं. मोनोसेकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला जो होगा दैट इज वी कैन यूज CnH2nOn. और मिनिमम, और एक इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो इनको हम लोग बोल देंगे ट्रायो शुगर. अगर n का वैल्यू 4 हो गया तो हम लोग इसको बोल देंगे टेट्रोज. 5 हो गया पेंटोज. 6 हो गया हेक्सोज. 7 हो गया हेप्टोज. तो ये और एक क्लासिफिकेशन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, बट दैट क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर मोनोसेकेराइड. सो मिनिमम एन का वैल्यू 3 से चालू होता है क्योंकि डेफिनेशन में फिट होने के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी एंड अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. तो मिनिमम 3 से एंड मैक्सिमम 7 तक जाते हैं मोनोसेकेराइड्स. तो अगर ट्रायोज रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3. टेट्रोज हो जाएगा C4H8O4. पेंटोज C5H10O5. हेक्सोज C6H12O6. एंड हेप्टोज C7H14O7. और जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि जनरल फॉर्मूला फॉलो करे, इसमें वेरिएशन भी आ सकते हैं जो हम लोग आगे डिस्कशन करते जाएंगे. ऑलिगोसैकेराइड जो है इनका जनरल फॉर्मूला हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन से दो मोनोसैकेराइड जुड़ रहे. सो व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स बाइंड, ऑन बाइंडिंग देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसैकेराइड. वैसे ही तीन मोनोसेकेराइड जुड़ जाए तो ट्राइसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा. तो अगर हम लोग दो मोनोसेकेराइड अगर हम लोग ले ले कि C6H12O6 प्लस C6H12O6 का कॉम्बिनेशन हुआ है तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आता है C12H24 and O12. बट जैसे मैंने बताया देर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड. मतलब माइनस H2O कर दोगे तो आप लोग को अल्टीमेट फॉर्मूला मिल जाएगा डाइसेकेराइड का C12 वैसा का वैसा, H24 माइनस हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज H22 and O11. सिमिलरली आप लोग ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स उनका भी फॉर्मूला निकाल सकते. तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स बाइंड होते जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा. और जब भी ये मोनोसेकेराइड्स में बॉन्ड बनता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड, ये आप लोग को याद रखना है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो फ्यूचर डॉक्टर्स रिमेंबर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एंड ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी था?
रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर को हम लोग बोल सकते हैं एज डिहाइड्रेशन। तो डाइसैकेराइड का जो फॉर्मेशन हुआ है या ऑलिगोसैकेराइड्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इट इज बाय डिहाइड्रेशन जिससे इनका सिंथेसिस हुआ है। पॉलीसेकेराइड्स का बात करें तो ये तो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है और इनका जनरल फॉर्मूला जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज C6H10O5 n नंबर ऑफ टाइम्स, और इस n का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, 100,000s। तो ये पॉलीमर्स है C6H10O5। तो यहाँ पे CnH2nOn ले रहे, यहाँ पे हम लोग मोनोसेकेराइड्स को कंबाइन कर देंगे, डिपेंड करेगा कि वो ट्रायोस कंबाइन हो रहा है, टेट्रोज हो रहा है, पेंटोज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो डाइसेकेराइड्स ट्राइसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा बाय रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। और पॉलीसेकेराइड में C6H10O5 n नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे भी बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब ज्वाइन होंगे तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा एंड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा जिससे पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ स्पेसिफिक कुछ अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले, नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। सो मोनोसेकेराइड्स में ट्रायोज वाला जो एग्जाम्पल है, 3 carbon आइटम वाला, उसमें एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है गर्ल, GAL, गर्ल इज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। एंड दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा जो 3 carbon वाला मोनोसेकेराइड है दैट इज ढा, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन। तो ये जो है ये ट्रायोज शुगर्स है, दिस आर ट्रायोज शुगर जिसमें एन का वैल्यू 3 है, तो दिस आर ट्रायोज शुगर्स। सेम वे टेट्रोज जो है उनमें एग्जाम्पल आता है एरिथ्रोज या फिर एरिथ्रिलोज, ओके, दिस आर टेट्रोज शुगर। पेंटोज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, उसके अलावा जाइलोज, जाइल्यूलोज, एराबिनोज। तो ये जितने भी शुगर है दीज आर ऑल पेंटोज शुगर्स, पेंटोज मोनोसेक्राइड्स। हेक्सोज में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हेक्सोज शुगर्स, हेक्सोज शुगर्स का ये सब एग्जाम्पल हो गया। सो फ्यूचर डॉक्टर्स एक आपको क्लू देता हूं, कहीं कहीं पे मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, उनमें याद रखना है कि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेसिफिकली मोनोसेकेराइड्स जो हैं उसमें से उन्हीं से ऑलिगो या पॉली का फॉर्मेशन होगा। तो मोनोसेकेराइड्स का और एक तरह से क्लासिफिकेशन होता है अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है तो या फिर कीटोन है। तो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं सब कीटोन है, तो दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन इज अ कीटोन। यहाँ पे एरिथ्रोलोज, फिर जाइल्यूलोज, तो मोस्टली यूएलओ यूएलओ आएगा तो आपको समझ जाना है वो किसी तरह का कीटोन है। सब जगह यूएलओ ना भी हो, उल्लो उल्लो ना भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से इसमें अल्डिहाइडिक है या फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी कीटोनिक ग्रुप है। तो ग्लिसरल्डिहाइड अल्डोज, अल्डोज राइबोज भी अल्डोज है, डीऑक्सीराइबोज अल्डोज है, एराबिनोज जाइलोज अल्डोज है, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज अल्डोज है। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये स्पेसिफिकली जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाले, तो मैंने और एक क्लासिफिकेशन भी ले लिया क्योंकि मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेनली ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी प्रिसाइजली डिस्कसिंग दिस स्ट्रक्चर्स एंड फिर हम लोग ऑलिगो एंड पॉली का भी बात करेंगे। ऑलिगोसैकेराइड्स के अगर कुछ एग्जाम्पल ले ले तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज सुक्रोज, सुक्रोज इट्स अ डाइसेकेराइड। उसके अलावा वी ऑल्सो टेक लैक्टोज एंड माल्टोज, ये तीनों ही जो एग्जाम्पल्स है ये सब स्पेसिफिकली डाइसेकेराइड्स के हैं। तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज से बनता है, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से बनता है। तो सब में ग्लूकोज तो आ ही गया, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है ये हेक्सोज शुगर इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, मोस्ट एबंडेंट इन द एंटायर वर्ल्ड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से मेनली ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन करते हैं। बाद में उनका स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो हम लोग पॉलीसेकेराइड में डिस्कस करेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज तो है ही, बट ये डाइसेकेराइड्स है तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज कंबाइन होकर सुक्रोज बनाता है।
ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज, तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों कंबाइन हो गए तो लैक्टोज, एंड ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही बाइंड हो तो माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए ये ऑलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स है, सो ये हाइड्रोलाइसिस करके दो दो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली कुछ ट्राइसैकेराइड्स भी हैं जिसमें एक एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज रेफिनोज। रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड। एंड टेट्रासैकेराइड में आप लोग एक एग्जांपल याद रख सकते हैं स्टैकियोज, स्टैकियोज। तो रेफिनोज जो है, रेफिनोज में देयर इज प्रेजेंस ऑफ थ्री मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो तीन मोनोसैकेराइड से रेफिनोज बना है। स्टैकियोज जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये दो गैलेक्टोज मॉलिक्यूल प्लस ग्लूकोज फ्रक्टोज से स्टैकियोज टेट्रासैकेराइड। तो कितने मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से ये सब बन रहा है आप लोग गेस कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो पॉलीसेकेराइड्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है और हम लोग अलग से डिस्कशन भी करेंगे, एक अलग से एक सेशन होगा जहां पे पॉलीसेकेराइड्स का हम लोग को यूज भी पड़ता है। बट एक जनरल हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज होमो पॉलीसेकेराइड या फिर हेटरो पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में उनको क्लासिफाई करते हैं। होमो पॉलीसेकेराइड का अगर एग्जाम्पल ले ले तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज स्टार्च। स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। स्टार्च के अलावा इवन ग्लाइकोजन, दैट इज स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स, प्लांट्स में, और एक पॉलीसेकेराइड होता है दैट इज सेलुलोज। तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ होमो पॉलीसेकेराइड्स। और भी कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग लेंगे, काइटिन लेंगे, इन्यूलिन लेंगे, जो हम लोग अलग से सेशन में डिस्कशन करेंगे। हेटरो पॉलीसेकेराइड्स का अगर बात करें जिसमें हेटरो मतलब अलग अलग मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है, होमो मतलब सेम मोनोसेकेराइड्स यूनाइट हो रहे, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज का ही लॉन्ग चेन है वो स्टार्च बना रहा है या सेलुलोज बना रहा है, और हेटरो में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड व्हिच इज फॉर्मिंग द हेटरो पॉलीसेकेराइड, जिसमें एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं जैसे कि यालुरोनिक एसिड या फिर कॉन्ड्रोइटिन। तो दिस आर दी सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ हेटरोपॉलीसेकेराइड। तो ये हम लोग ने मेजर एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है ऑन दी कार्बोहाइड्रेट्स, एंड आज का डिस्कशन था दैट वॉज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन और उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे वो डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोग ने तीन तरह से क्लासिफिकेशन ले फ्यूचर डॉक्टर्स, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस कौन से कितने शुगर यूनिट्स बनेंगे, देन मोनोसेकेराइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड मोनोसेकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। तो ये हम लोग डिटेल में हम लोग ने कंप्लीट किया। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म।